हेलो एवरीवन गुड आई एम सी गुड इवनिंग और उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और जैसे कि अभी कुछ दिन पहले हम सभी लोगों ने देखा कि आज का जो दिन है आज बहुत बेहतरीन है बिकॉज़ आज जो है आज मुझे आ, मेरे ग्रेट अपलाइन श्री बी मिश्रा जी के साथ में उनके फेसबुक पेज पे आज लाइव आने का मौका मिला फ्रेंड्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल सो थैंक यू सो मच सर और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी जो आज का मैं टॉपिक लेके आई हूँ ये बहुत ही आ, अगर बात करें एक विमेंस के लिए तो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है फ्रेंड्स क्योंकि इसके पीछे कारण ये है कि आज जो है महिलाएं हर एक चीज़ में हमारी भागीदारी बन रही हैं और इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो सभी चीज़ों को लेके अगर विमेंस की हम सभी लोग अगर डेफिनेशन ही देखें तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मदर ऑफ़ ऑल नेशन दैट मीन्स अगर हम लोग महिलाओं की एक परिभाषा अगर हम लोग देखें तो सभी राष्ट्रों की सभी माताओं का एक संगठन जो है उसको एक महिला का खिताब मिला हुआ है दोस्तों सो इसके बारे में अगर हम लोग जानेंगे कि जब हमें हम सभी महिलाओं को इतनी बड़ी चीज़ है ना अगर बात करें हमारे नाम के आगे हमारी जो विमेन्स है ना विमेंस जो महिलाएं हैं महिला का अर्थ ही जब इतना बड़ा है दोस्तों पूरे विश्व में तो आज क्या है कि आज के डे टू डे लाइफ में आज के जेनरेशन में आज का जो समय है इस समय में जहाँ तक हम सभी लोग महिलाओं को देख पाते हैं तो महिलाओं के बारे में अगर कहना चाहूँ दोस्तों तो आज महिलाओं जो है विमेंस जो है अगर बात करें पुरुषों से तुलना में आज साथ में कदम से कदम मिलाने के लिए आज चल चुकी हैं आज कहा जाए तो आज अब आ, फ्लाइट की बात हो है ना प्लेन उड़ाने की बात हो अगर हम लोग बात करें कि रेल ट्रेन चलाने की बात हो या फिर कहीं समुद्र से पूरा पृथ्वी को नापने का बात हो दोस्तों तो इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो पूरा ऑल लेवल सभी जगहों पे आज महिलाएं वर्क कर रही हैं आज महिलाएं है, पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं लेकिन बहुत सारी महिलाओं को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती तो उसके लिए क्या ऑप्शन्स हैं आज अगर हम लोग बात करें कि महिलाओं के लिए क्या ऑप्शन्स हैं तो जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज जो है आज का टॉपिक ही बेसिकली मैं लेकर आई हूँ कि आने वाले समय में महिला महिलाओं को आज एमसी एम सी बिजनेस क्यों करना है दोस्तों और कैसे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगा हमारे फ्यूचर में इस एमसी एम सी बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू दोस्तों आज हम लोग बहुत सारी चीज़ें बात करेंगे इस तीस पैंतीस मिनट के अंदर में तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक विमेंस की बात आती है तो सबसे पहले तो विमेंस के बारे में सी सर आ, हमारे ग्रेट अपलाइन श्री बी मिश्रा सर आज हमारे साथ फेसबुक लाइव जु जुड़ चुके हैं हमारे साथ हैं खुशबू मैम हमारे साथ हैं सुषमा मैम और बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारे साथ से सुर भी जुड़ चुके हैं सो so, एवरी सबसे पहले तो आप सभी आशा मैम भी है सी आशा मैम जो बहुत ग्रेट लीडर है लर्निंग के लिए हमेशा रेडी रहती है गुड आई एम सी गुड़िया मैम सो एवरी आज का जो दिन है मैं आज हमारे साथ जो विमेंस जुड़ रही हैं बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज विमेंस के आ, फ्यूचर में हमारी आई एम बिजनेस का क्या रोल होगा इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग आज देखने वाले हैं सो एवरीवन चलिए हम लोग बात कर रहे थे कि आज सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस फेसबुक लाइव में जो हमारे ग्रेट 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 अप्लाइन मिस्टर बीएन मिश्रा सर के फेसबुक पेज पे आज आने का मौका मिला और आज बहुत सारी बातें करेंगे दोस्तों इस तीस मिनट के अंदर में सो चलिए गुड आइम सी सुषमा राज मैम सो चलिए फ्रेंड्स अगेन आप सभी का स्वागत है और चलिए हम लोग चलते हैं आगे चलते हैं आज के सेशन में सो so, एवरी uh, जैसे कि मैं अभी बता रही थी कि विमेन्स जो है सभी राष्ट्रमाताओं का एक विश्व संगठन है ना जिसको महिला का uh, अगर बात करें तो परिभाषा कहा गया है तो जब हमें पूरे विश्व में इतनी सारी चीज़ों की अगर बात करें इतने सारी चीज़ों की उपाधि आज हमें मिली है तो आज हम कहीं ना कहीं घर में अगर रहते हैं घर में एक महिला रहती है तो घर में अगर महिलाओं को कहा जाए तो उनको एक ग्रेट मैनेजर के नाम की उपाधि से भी जाना जाता है क्योंकि आज हम लोग कहीं पर भी अगर बात करें तो महिलाएं जो है ना घर की सभी फैमिली का अगर बात करें तो सभी फैमिली मेंबर्स का ख्याल रखने सभी को प्यार लुटाने और सभी लोगों का जरूरतों का ख्याल रखने में और घर को मैनेज करके घर को जीरो से हीरो का रोल देने का अगर बात करें तो ये सारा श्रेय जो जाता है ये सारी महिलाएं को जाता है दोस्तों तो आज क्या अपॉर्चुनिटी है आज के डेट में हमारे लिए आज हमारा जो सबसे बिगेस्ट चैलेंज है हम सभी महिलाओं के लिए कि आज हमें घर भी देखना है और घर के साथ साथ हमें कहीं ना कहीं अपना इनकम के लिए कहीं ना कहीं हमें जॉब करने की आज जरूरत पड़ रही है दोस्तों क्योंकि आप में से हम बहुत सारे लोग जानते हैं जो महिलाएं आज मैरिज हैं सभी लोगों को ये पता रहता है कि आज हस्बैंड जो भी कमा रहे हैं उसके साथ साथ अगर बहुत अच्छा इनकम ना हो तो घर चलाना थोड़ा मुश्किल होता है तो कहीं ना कहीं आज महिलाएं घर से बाहर निकल कर अगर हम लोग बात करें तो घर से बाहर निकल के कुछ इनकम करने की जो है प्रयास कर रहे हैं एक्स्ट्रा इनकम जो कि अपने घर में कहा जाता है कि डूबते को एक तिनका का सहारा तो ये जो रोल अदा करती है ये महिलाएं करती हैं दोस्तों आज के डेट में तो चलिए हम सभी जानते हैं कि आज जितने सारे लोग यहाँ पर है एक बहुत बेहतरीन है ना अगर मैं बात करूँ तो वर्ल्ड नंबर वन अपॉर्चुनिटी है ना डायरेक्ट सेलिंग में आज आईएमसी के साथ है दोस्तों और इसके बारे में बात करें तो आज डे टू डे लाइफ में अगर विमेंस की बात करूँ तो उनकी भागीदारी बहुत 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 बड़ी है सभी चीज़ों को मैनेज करने के लिए सभी चीज़ों को इक्वालिटी मिलाने के लिए तो आज चलिए बेसिकली आज हम लोग बात करेंगे कि ये जो आईम बिज़नेस है ये हमें क्या क्या दे सकती है और फ्यूचर हमारा कैसे बना सकती है और इस बिज़नेस में आकर आज हम लोग बात करेंगे इस बिज़नेस में आके अपने फैमिली के लिए अपने खुद के ग्रोथ के लिए एक अच्छा हेल्थ कैसे हम लोग यहाँ पर से ले सकते हैं एक अच्छा वेल्थ कैसे हम लोग आज यहाँ पर से ले सकते हैं और बात करें अगर जहाँ पे हेल्थ और वेल्थ है तो वहाँ पे हैप्पीनेस को कैसे हम लोग मैनेज करेंगे हैप्पीनेस हमारी लाइफ में कैसे आएगी और दूसरी बात दोस्तों कि ये जो बिज़नेस है हमारी आई बिजनेस इसमें हमें करियर जो है कैसे बनाने के लिए हम लोगों को यहाँ पर मिल सकता है तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आज इस बिज़नेस में जो है सबसे पहली चीज़ आती है दोस्तों कि आज बेसिकली हमारा जो आईएमसी बिजनेस है आज आयुर्वेदा पे काम कर रही है और हम सभी लोग यहाँ पे जानते हैं कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स या फिर आयुर्वेदा जो है हमारे बॉडी के लिए कितना अच्छा है तो एक महिला जो है अपने घर के लिए कभी भी कुछ भी या अपने खुद के लिए अपने फैमिली मेम्बर जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है कभी भी उनके लिए कुछ भी गलत नहीं चूज कर सकती है तो आज इसके बारे में बात करें तो आईएमसी बिजनेस हमारे लिए और हमारे पूरे फैमिली के लिए हेल्थ लेकर आइए दोस्तों क्योंकि आप और हम सभी लोग जानते हैं आयुर्वेदा दैट मीन्स आयु का ज्ञान तो आज हम ही सभी लोग अगर बात करें कि हेल्थ हमारे घर में अच्छा रहेगा हमारा खुद का हेल्थ अच्छा रहेगा हमारे पूरे परिवार का हेल्थ अच्छा रहेगा तो हम सभी लोगों के बीच में कहीं ना कहीं एक महिला जो घर की मैनेजर होती हैं ऑलरेडी है, तो उनको अपने फैमिली में हैप्पीनेस को हैप्पीनेस की जो जगह है उसको बनाने के लिए जो है ना बहुत हेल्प मिलेगी और हमारे पास अगर बात करें तो हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी इंटरनेशनल मार्केट की है दोस्तों और हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी बेहतरीन है कि अगर इन सारे प्रोडक्ट को अगर हम लोग अपने लिए और अपने घर के लिए अगर यूज करें तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोग बहुत कम बीमार पड़ेंगे ना के बराबर क्योंकि अगर हम लोग क्वालिटी प्रोडक्ट खाते हैं जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा है दैट मीन्स हमारे बॉडी को जो चाहिए है ना हमारे बॉडी को जो न्यूट्रिशन चाहिए जो विटामिन चाहिए और जो अच्छे केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स चाहिए तो वो सारे चीज़ हम लोगों को यहाँ पर से मिलेगी तो ये चीज़ हमारे फैमिली के लिए हमारे लिए हमारे ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि अगर हम लोग कम बीमार पड़ेंगे दैट मीन्स हम लोग हर एक चीज़ को बहुत अच्छे बेटर तरीके से कर सकते हैं दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों हमारा वेल्थ अगर हम लोग वेल्थ की बात करें तो वेल्थ जो रहता है ये सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है पैसा क्योंकि आज का जो समय है आज का जो युग है अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो आज कहीं ना कहीं हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ना हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नाइन्टी फाइव परसेंट आज ना चाहते हुए भी, भी आज पैसा है दोस्तों आज पैसा है तो घर में खुशियां हैं आज अगर पैसा है तो हम सभी लोग जो है एक बहुत अच्छे लाइफ स्टाइल को जो है ना हम लोग जी सकते हैं नो no डाउट कि आज वेल्थ की अगर बात करें तो नो no डाउट हमारे घर में जो भी हमारे फैमिली मेम्बर हैं वो किसी के हस्बैंड हो सकते हैं किसी के फादर हो सकते हैं किसी के मदर हो सकती हैं या अगर बात करें कि के ब्रदर्स हो सकते हैं तो आज अगर बात करें तो वो लोग भी इनकम करते हैं लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं अगर फैमिली हमारा बड़ा है कहीं हम लोग देखें कि हमारे फैमिली में जो है बच्चे बड़े हैं जिसमें एजुकेशन सपोर्ट के लिए एजुकेशनल के लिए हमें पैसा के एजुकेशन के लिए हमें पैसा की ज़रूरत पड़ती है घर का खर्चा चलाने के लिए हमें पैसा की जरूरत पड़ती है अगर किसी को मेडिकल इशू है तो उसके लिए हमें पैसा की ज़रूरत पड़ती है तो कहीं ना कहीं हम लोग ये चीज़ देखते हैं दोस्तों कि आज के डे टू डे लाइफ में हमारी लाइफ स्टाइल जो है ये इतना बड़ी हो चुकी है क्योंकि आज हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ चल रहे हैं तो सभी चीज़ आज हमारे घर में अवेलेबल होनी चाहिए तो ये सारी चीज़ों को अगर देखें तो कहीं ना कहीं दोस्तों पैसे जो है ना जो हमारे फैमिली में लेकर आते हैं वो हमारे घर चलाने के लिए अनफ तो रहते हैं लेकिन हमारी लाइफ स्टाइल को जो भी आ, बात करें जो मिडिल क्लास से आते हैं उनसे लोअर ये क्या आते हैं जो बहुत बड़े इंटरप्रेनर घर से नहीं आते हैं उनके लिए अगर मैं बात करूं तो आज कहीं ना कहीं जो भी हमारे फैमिली मेम्बर ले कर आते जो अर्न करके आते हैं जो मनी तो उससे हमारा घर बहुत अच्छा से चलता है दोस्तों लेकिन हमारी अगर ड्रीम्स की बात करें सपने की बात करें है ना तो वो कहीं ना कहीं हमारे साथ पीछे छूट जाता है जिसके कारण आज होता क्या है कि हमारा लाइफ स्टाइल डे टू डे हमारा लाइफ तो अच्छा चल रहा है जैसे तैसे में हम लोग रियली में सभी को ही बोलते हैं कि बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन लाइफ स्टाइल की अगर बात करें तो कहीं कही ना कहीं वो लाइफ स्टाइल हम लोग नहीं जी पाते हैं जो लाइफ स्टाइल हमें हम जी सकते हैं तो आज जो है आज ये बिजनेस जो है आज हमें बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी देती है दोस्तों जहाँ पे हम लोग कम पैसे में कम पैसे की इन्वेस्टमेंट में कहा जाए या फिर हम लोग बात करें तो समय हमारा जो वर्किंग आवर है यहाँ पे फ्लेक्सिबल है दोस्तों तो यहाँ पर ये यह सारी चीज़ें को मैनेज करते हुए हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं जो एक विमेंस के लिए अगर बात करें तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है इसके पीछे कारण ये है दोस्तों कि बहुत टाइम हम लोग हमारे घर में जो विमेंस होती हैं दिन भर का काम तो बहुत अच्छे से कर देती है लेकिन कभी कभी खाली टाइम जो है वो हमारे साथ आ, रहता है तीन चार घंटे हम खाली बैठ जाते हैं और उसमें भी हम लोग बैठ के बस सोचते हैं बैठ के क्या सोचते हैं कि किसी तरह हम लोग जो है अपने हस्बैंड को हेल्प कर पाते फाइनेंशियली या फिर अपने बेटे को देखते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है मन में आता होगा कि क्या करें कि मतलब कुछ एक्स्ट्रा इनके लिए हम कर पाए ऐसा कभी कभी बहुत टाइम आता होगा जब फेस्टिवल का टाइम चल रहा होगा और बहुत सारे दूसरे बच्चों को जो महिलाएं हैं दूसरे बच्चों को देखती होंगी कि मेरे बच्चे भी खास खा, खास उस तरीके का ड्रेस अप कर पाते हैं या फिर मैं भी अपने बच्चों को अपने स्कूल या फिर कहीं पर जाने के लिए राइट कहीं पर टूर जाने के लिए मैं बच्चों को कुछ पैसे दे पाती तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों जिसके अंदर हमारा वेल्थ आता है तो हमारा वेल्थ बेसिकली आज हम लोग हम सभी महिलाएँ ना एक बात बोलना चाहूँगी जितने सारे भी हम सभी लोग महिलाएं हैं हम सभी लोग बहुत अच्छे मैनेजर हैं लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग बहुत सारे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बहुत अच्छे कनेक्टर भी कनेक्टर कहने का मतलब है कि हम लोग जो रिश्ता हमारा रहता है हम लोग उसको बहुत अच्छे अपने फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग बांध के रखते हैं लेकिन कभी कभी दोस्तों कभी कभी क्या होता है ना कि फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं हम जो प्यार दिखाना चाहते हैं अपने फैमिली मेम्बर को अपने फ्रेंड्स को या फिर अपने रिलेटिव को वो प्यार हम लोग सभी लोग नहीं दिखा पाते हैं इसके पीछे कारण यही है कि पैसे की कहीं ना कहीं कमी अगर आज हमारा खुद का आज एक्स्ट्रा इनकम हो फैमिली का जो इनकम है उसको छोड़ के या फिर हम खुद के नाम का अगर पैसा कमा रहे हो और इससे अगर हम जितने सारी महिलाएं हैं वो अपने बच्चों के लिए कुछ करती है अपने हस्बैंड के लिए कुछ करती है या रिलेटिव में कहीं जाना है तो अपने पैसे का लेके जाते हैं दोस्तों तो जो आत्मसम्मान हमारा बढ़ता है वो उसकी जो कहा जाए तो वो हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं आ, जो है एक स्माइल को कहा जाए तो उसको ऐड करती है हमें अंदर से बहुत खुशी होती है हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है सो so, दोस्तों वेल्थ की अगर बात करें तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें आईएमसी बिज़नेस देती है हमारे लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए हमें एक्स्ट्रा इनकम देने के लिए और दूसरी बात जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दो तो हमारे सारे ग्रेट लीडर्स बोलते हैं हमें बतलाते हैं कि फैमिली सिक्योरिटी है ना मैंने बहुत सारी इस बिज़नेस में आने के बाद मैंने बहुत सारी महिलाओं को देखा है कि बीच में कहीं ना कहीं उनके हस्बैंड जब छोड़ के चले गए या फिर अगर बात करें तो घर में अभी जो है ना इनकम का कोई सोर्स नहीं है तो इस डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से दोस्तों अपने बलबूते पे अपलाइन की हेल्प लेकर जो है लोग यहाँ पर बहुत आगे तक बढ़े हैं जिसके पीछे मैं बताना चाहूँगी कि आज हम लोग जब विमेंस के पास जाते हैं जब बोलते हैं कि आज हमें एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मिली है जो कि आई बिज़नेस के अंडर में तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आई बिजनेस ही क्यों करें हम हमारे पास जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि हम कोई अपना खुद का पार्लर मतलब खुद का अपना शॉप खोल सकते हैं ना ट्रेडिशनल मार्केट में घुस सकते हैं तो दोस्तों बहुत समय हमारे पास ऐसा होता है ना कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में घुसने के लिए हम लोगों को कहीं ना कहीं ह्यूज अमाउंट जो है मनी का जो है वो लगता है उसके बाद फिर हमें किसी तरह का स्किल नहीं होता है बिज़नेस चलाने के लिए दूसरी बात अगर हम लोग बात करें तो अगर कोई सेम बिजनेस जगह पे चला रहा है और उससे हम बिज़नेस के ग्रोथ के बारे में अगर पूछने जाते हैं तो बेसिकली होता क्या है वो हमें अपने बिज़नेस के ग्रोथ के बारे में नहीं बताते हैं क्योंकि इसके पीछे ये एक रीज़न है दोस्तों क्योंकि कोई भी इंसान अपना कंपटीटर खुद खड़ा नहीं करना चाहेगा तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हमें बहुत सारे एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है लेकिन यहीं पर अगर हम लोग जानेंगे आईएमसी बिज़नेस के बारे में तो आईएमसी बिज़नेस में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप दोस्तों बिल्कुल आप मिनिमम अमाउंट में आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं आपके पास पैसे ना भी हो तो भी आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं और इसके बारे में बात करूँ तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जहाँ हमारा जो एजुकेशन सिस्टम इंस्पायरिंग वर्ल्ड है ना मैं उनको सैल्यूट करती हूँ बहुत अच्छा है हमें बहुत सारी चीज़ें सिखलाते हैं दोस्तों कि इस बिज़नेस में काम कैसे करना है क्या है बहुत अच्छी और आज तो ऑनलाइन का ज़माना है बहुत सारी जगहों पे मीटिंग अगर आप दूर का मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते हैं देन हमारा जो आईएमसी बिजनेस जो हमारा इंस्पायरिंग वर्ल्ड है आज ये हमें ऑनलाइन भी ट्रेनिंग दे रही है साथ ही साथ में हमारे बहुत ग्रेट ग्रेट हमारे साथ हमारे एलओएस हैं हमारे लाइन ऑफ स्पॉन्सर हैं हमारे खुद के अपलाइन जो इतने सारे लोग हैं जो हमें इस बिज़नेस में हमेशा ग्रो करने के लिए आज कहा जाए तो अगर ट्रेडिशनल मार्केट में अगर हम लोग जाएंगे तो उसमें क्या होता है ना कि उसमें बहुत सारे लोग आपकी टांग खींचेंगे वो लोग बोलेंगे कि हाँ ये बिजनेस हर किसी के बस की बात नहीं है लेकिन आज आईएमसी बिज़नेस के बारे में अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यहाँ पर हमारे अपलाइन जो है वो हमें पूरा सपोर्ट करते हैं वो हमें हमेशा बोलते रहते हैं कि यू कैन डू इट है ना आप बिल्कुल कर सकते हैं ये चीज़ को आप बहुत बेहतरीन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये सारी जब पॉजिटिव बातें हमारे कानों को सुनाई देती है दोस्तों देन हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत बहुत बिल्ड होते जाता है बिल्ड होते जाता है और हम लोग इस बिजनेस में करते करते हम लोग एक अच्छे मुकाम तक पहुँच जाते हैं तो ये चीज़ बहुत बेहतरीन सिस्टम है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग हमारी डायरेक्ट सेलिंग में भी हमारी एम बिजनेस बहुत बेहतरीन सिस्टम है जिसमें अगर हम बात करें तो हम महिलाओं को हमारी महिलाओं को वेल्थ जब हम लोग क्रिएट करने लगते हैं यहाँ पे हम लोग पैसा इनकम करने लगते हैं और साथ ही साथ में फर्स्ट डे से ही जब हम लोग इस बिज़नेस में आते हैं हम महिलाओं को बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है यहाँ पे दोस्तों और हर एक महिला महिला महिलाएं जो हैं सभी महिलाओं को उनका सम्मान जो होता है वो बहुत प्यारा होता है और यहाँ पर अगर आप कुछ भी आने के बाद परफॉर्मेंस आप बहुत अच्छा देते हैं स्टार्टिंग से ही देन दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों को आपकी जो भी तारीफ़ें होते हैं चाहे वो आपका कम्युनिकेशन स्किल हो या फिर लोगों को रिस्पेक्ट देने की बातें हो या फिर बहुत अच्छे बात करते हैं आप बहुत अच्छा मीटिंग करते हैं चाहे कुछ भी आप में जो भी खूबी हो दोस्तों उन सारी खूबियों के लिए आप लोगों को आपको यहाँ पर तारीफें सुनने को सुनने को मिलती है और जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम सभी लोगों को यहाँ पर खुद की तारीफ़ सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है दोस्तों और इससे हमारा आत्मसम्मान भी बढ़ता है देन फोर्थ जो है दोस्तों थर्ड uh, जो है दोस्तों हैप्पीनेस राइट right? हम सभी uh, जितने सारे विमंस हैं जितने सारे जो घर के मैनेजर हैं जो घर चलाती हैं उन सभी के बारे में अगर बात करें तो वो बहुत केयर करती हैं केयर किस चीज़ के बारे में करती हैं कि हमारे फैमिली में किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो हम सभी लोग एक हैप्पीनेस फैमिली uh, uh, बन के रहें है ना वो हमेशा खुद को और दूसरों को प्यार करना जानती हैं दोस्तों तीसरी बात अगर मैं बात कहूँ कि हैप्पीनेस में कि वो जो है ना रिवॉर्ड की अगर बात करें तो इस बिज़नेस में ये सारी चीज़ें हम लोगों को मिलती है जो कि हमारे फैमिली में एक हैप्पीनेस को जोड़ती है क्योंकि यहाँ पर आने से हमारा हेल्थ अच्छा होता है हमारा वेल्थ अच्छा होता है है ना हमें एक करियर अपॉर्चुनिटी भी मिलता है जिसके थ्रू हमारी जो लाइफ स्टाइल है हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं तो ये बिज़नेस कहीं ना कहीं हमारे लिए हैप्पीनेस को भी जोड़ती है और चौथी बात हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों कि ये बिज़नेस हमें एक बहुत बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी देती है हमारे करियर को बिल्ड करने के लिए जिसमें कि हम बात करें कि जब से हम सभी महिलाओं की एक बहुत बहुत बड़ी चीज़ होती है जो हम लोग कहीं ना कहीं खो दिए हैं हमारा खुद का नाम राइट जब हम लोग पैदा होते हैं हम सभी महिलाएं जब पैदा होती हैं तो आ, एक छोटी बच्ची होती है तो हम लोग सिंपल सा बात है हमारा नाम किससे जाना जाता है हमारे फादर से जोड़ के जाना जाता है कि ये उनकी बेटी है राइट थोड़े बड़े होते हैं तो हाँ ये इनकी सिस्टर है राइट जब शादी होती है तो इनकी वाइफ है राइट जब और बड़े होते हैं तो हाँ इनकी दादी है फ्रेंड्स लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं जो हमारा नाम जो हमारा नामकरण जो हमारा रखा जाता है राइट जो चीज़ हमें स्कूल के समय में कॉलेज के समय में हमारे नाम से पुकारा जाता है हमें बहुत अच्छा लगता है और ऐसे भी हम लोग अगर बात करें तो आज के डेट में भी आज कहीं पर अगर हम लोग झुंड में बैठे हों है ना तो वहाँ पर अगर हमारा नाम लेकर हमें बुलाया जाता है देन अपना नाम सुन के सभी लोगों को बहुत अच्छा लगता है तो ये बिज़नेस हमें अपना नाम कमाने का बहुत अच्छा जो है अपॉर्चुनिटी देती है दोस्तों है ना ये बिज़नेस हमें अपना फैम नेम फैम के लिए हमारे रिकॉग्नाइजेशन के लिए क्योंकि आज सभी लोगों को अपना खुद का सम्मान बहुत प्यारा होता है तो ये बिज़नेस हमें आज इस चीज़ को भी अपॉर्चुनिटी देती है एक अच्छे करियर के साथ नेम फेम रिकॉग्नाइजेशन है ना सारी चीज़ों को साइड में देख के ये हमें एक अच्छा बहुत अच्छा मैनेजर बनाती है क्योंकि ये बिज़नेस में कहीं ना कहीं हम और आप रहते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत बेटर होता है दोस्तों और बात करें हम लोग एक बहुत अच्छे टाइम मैनेजर बनते हैं इस बिजनेस के थ्रू में ये बिज़नेस हमारा खुद का बहुत 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 अच्छा पर्सनल ग्रोथ करता है कहीं ना कहीं हम सभी लोग अगर बात करेंगे आ, तो हम सभी लोग ये चीज सोचते हैं कि हम जितने सारी महिलाएं हैं हमारा जो इमोशंस होता है ना हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं पीछे होते हैं बहुत सारी जगहों पे हमें मैनेज करना होता है किसी ना किसी तरीके से तो हम लोग जब मैनेज करने के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुँचाते हैं हमेशा जब कोई हमें कुछ कह देता है जब कोई हमें Uh, हमारे काम के लिए नहीं सहराता है तो कहीं ना कहीं हमारे आँखों से बहुत ही प्यारे प्यारे मोतियाँ जो है वो गिरने लगती है तो इसके पीछे कारण ये है दोस्तों कि हम लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल करने नहीं सीखते हैं मैनेज करने नहीं सीखते हैं लेकिन ये सिस्टम की अगर बात करें ना तो ये सिस्टम हमें इमोशनली uh, स्ट्रॉन्ग बनाता है क्योंकि बेसिकली ये बिज़नेस जो है हमारा बातचीत करने का बिज़नेस है और हम लोग जितने सारे लोगों से बात करते हैं तो हमारा जो बोलने का शैली है वो चेंज होता है हमारा पर्सनालिटी चेंज होता है तो ये सारी चीज़ें जो होती है हमारा खुद का जब हम लोगों को यहाँ पर रिवॉर्ड मिलता है तो हमारा खुद का जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो बढ़ता है दोस्तों हमारा खुद का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है और मैं ऐसे भी कहती हूँ कि हमारा जो ये एम बिजनेस है हमें ओपन स्टेज देता है मैंने स्कूल में आ, सुना था हमारी जो प्रिंसिपल थी वो हमेशा कहती थी कि हम सभी महिलाओं को अपना सर्वांगीण विकास के लिए हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए वो हमेशा इस बारे में बात करती थी लेकिन उस समय उस सारी चीज़ों को उतना मतलब समझ में नहीं आया था दोस्तों लेकिन हाँ इस बिजनेस में आने के बाद रियली में ये चीज़ समझ में आया कि हम सभी महिलाओं को सभी चीज़ों में अच्छा होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कहा जाए तो हमें हर जगह पे मैनेज करना पड़ता है हर जगह पे मैनेज कर करना पड़ता है चाहे वो हमारा जॉब हो ग्रह घर गृहस्थी गर, हो चाहे किसी भी जगह पे जाके कुछ भी ऑर्गेनाइज करना पड़े अपने फैमिली में रिश्तों को बांध के रखना पड़े या फिर बात करें हम लोग कि कभी कोई डिसीजन लेना पड़े जो डिसीजन हमें अकेले लेना पड़ सकता है तो इन सारी चीज़ों में हमें इमोशनली स्ट्रोंग जो होना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है तो जितने सारे भी हमारे हाउस वाइफ हैं इन सभी लोगों के लिए बस मैं यही चीज़ कहना चाहूँगी एवरी कि बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है क्योंकि शादी होने के बाद बेसिकली जितने भी हाउस वाइफ होते हैं बहुत सारे लोग फैमिली के दबाव में या बहुत सारे लोग को कोई कुछ ना कहे बोल के बहुत सारे लोगों को, को जो जॉब है वो जॉब छोड़ना पड़ता है बहुत सारे लोग जॉब नहीं कर पाते हैं तो इसके पीछे कारण ये है दोस्तों कि हमारे पास वैसा समय नहीं हो पाता है हम जब लड़कियाँ शादी होकर जाती हैं देन होता क्या है कि घर भी संभालना है और घर में फुल टाइम देना है सभी का ख्याल रखना है बस यही चीज़ माइंड में चलता रहता है हम लोग बहुत बड़ा नहीं सोच पाते हैं लेकिन इसके बावजूद क्या होता है कि बीच में कभी कोई प्रॉब्लम्स आ गया कोई बिग प्रॉब्लम्स आ गया मनी का इशू आ गया तो सडनली हम लोग जॉब ढूंढने के लिए निकलते हैं लेकिन जॉब के साथ साथ हम लोग फैमिली को भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाए ये पॉसिबल नहीं होता है दोस्तों तो ये बिज़नेस हमें एक बहुत अच्छी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देती है जो कि हम लोग इस बिज़नेस में फ्लेक्सिबल टाइम में अपने पार्ट टाइम में बहुत अच्छा एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकते हैं और हम सभी लोग तो ऐसे भी बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर होते हैं तो ये चीज़ है ये चीज़ें हैं जो आज हमें इस आई बिजनेस के थ्रू मिलती है और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है दोस्तों जैसे कि आप आ, आ, सोच सकते हैं कि विमेंस अपने फैमिली को क्या दे सकती है विरासत में राइट right? लेकिन अगर आज एक बीमैन्स इस बिजनेस को करते जाती है दैट मीन्स वो अपना ये पूरा बिजनेस जो है वो अपने आने वाली पीढ़ियों को ट्रांसफ़र कर सकती है नो no डाउट आने वाले जितने सारे वीमेंस हैं जिनके बच्चे हैं नो डाउट आज आप कर रहे हैं इस बिजनेस को और इस बिजनेस को करते हुए अगर कल को आपके बच्चे जॉब करें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आज आने वाला जो टाइम है वो टेक्नोलॉजी का टाइम है तो बहुत कम रिक्वायरमेंट रहेगी जॉब की सभी जगहों पे तो अगर वैसे आप अपने बच्चों को वहाँ पे एजुकेशन नहीं कर पाते हैं उस जगह तक नहीं तो एक अच्छे लाइफ स्टाइल के लिए एक अच्छे इनकम के लिए दोस्तों आज आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं और इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के साथ साथ आप जो है अपने बच्चों के लिए इस बिज़नेस के लिए आप करके रख सकते हैं इससे क्या होगा कि कल को आने वाला जो पीढ़ी रहेगा वो फाइनेंशली फ्री हो सकता है यहाँ पर से सो so, जितने सारे भी विमंस हैं उन सभी लोगों के लिए मैं यही चीज़ कहना चाहूंगी दोस्तों कि कभी भी हम लोग को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए उसके पीछे कारण क्या है कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं देन हम लोग बहुत टाइम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत सारे लोगों की बातें जो है हमारे कानों में पड़ती है और उन सारी चीज़ों को सुनने के बाद जो है ना कहीं ना कहीं हम अपने ड्रीम्स को छोड़ देते हैं जो आने वाला समय है जो हमारा फैमिली का फ्यूचर हम लोग चेंज कर सकते हैं आज जो स्थिति जो हमारी है वो कल को ना रहे इसकी वजह से हम लोगों को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है दोस्तों इस बिजनेस में जैसे कि हमारे अपलाइन अभी यहाँ पे हमारे ग्रेट अप्लाइन मिश्रा बीएन मिश्रा सर ने मैसेज किया था कि तीन साल में ये पॉसिबल है ये बिज़नेस का मैंने एन ग्राफ देखा है तीन से पाँच साल जो है ना अगर इस बिज़नेस को हम लोग दिल से किए सर का कहना है पंद्रह सौ दिन लगातार है ना तीन घंटे लगातार तो ये चीज़ हमारे लिए फिट खाती है दोस्तों हम सभी वीमेंस के लिए बहुत अच्छा फिट खाती है क्योंकि हम लोग दो से तीन घंटे तो अपने लिए निकाल सकते हैं अपने करियर को एक अच्छे ग्रोथ देने के लिए है ना अपनी फैमिली सिक्योरिटी के लिए अपने अपने नाम का पैसा कमाने के लिए ये सारी चीज़ें तो हम लोग कर सकते हैं तो इसीलिए हम लोगों को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है दोस्तों है ना हम लोग यहाँ पे अपना जो काम है वो फुल टाइम और पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं मैंने जैसे अभी सब आप सभी लोगों को कहा कि फ्लेक्सिबल टाइम है टाइम करने के लिए कोई टाइम बाधित बाधित नहीं है कि आठ से दस घंटा यहाँ पे काम ही करना है सारी चीज़ों को छोड़ के काम करना है यहाँ फिर हम लोग पार्ट टाइम में भी अगर दिल से काम करें तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं और दूसरी बात हम लोग यहाँ पे अगर बात करें तो हम सभी महिलाओं को थोड़ा सा रहता है कि घर से कभी नहीं निकले हैं राइट हम सभी लोग ऐसे बैठे बैठे तो घर का काम सारे चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से कर लेते हैं लेकिन जब घर से निकलते हैं देन घर से निकलने के बाद कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस कभी कभी डाउन हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लोगों का बातें जो है हमारे वो कानों में पड़ती हैं कि वो क्या बोलेगा क्या करेगा ये जो नया बिज़नेस स्टार्ट किया है है ना ये लोग कौन सा मीटिंग कर रहे हैं कौन सा जो है ये लोग साथ में बैठ के बातें कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है हम लोग को सुनने को मिलता है तो हम लोगों को ना फोकस्ड रहना है इस बिज़नेस में अपने ड्रीम के साथ में और दूसरी बात हम लोगों को सर्व नहीं करना है बहुत सारे लोगों को आता है कि मैं कैसे लोगों से बात कर सकती हूँ मैं कैसे उनको बोल सकती हूँ इस बिज़नेस के लिए मैं अपने प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए कैसे बोल सकती हूँ तो ये बहुत सारी चीज़ें आती है हमें शर्म आती है तो शर्म नहीं करना है दोस्तों और हमेशा इस बिज़नेस में अपने दिल की सुननी है दिल का मतलब अगर आप रियली में एक ड्रीमर है रियली में एक बहुत अच्छा इनकम पे जाना चाहती हैं दैट मीन्स अपने दिल की सुनिए क्योंकि आपने दिल की सुन के ही आप इस बिजनेस को स्टार्ट किए थे और इमोशनली स्ट्रांग रहिए दोस्तों और अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहिए सो so, मेरी यही शुभकामनाएँ हैं आप सभी लोगों के लिए जितने सारे विमेंस हैं और मैं आप लोगों को बस यही कहूँगी दोस्तों कि ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी हम बिज, हम विमेंस से स्टार्ट हुआ था है ना और हमारा हम विमेन से ये बिज़नेस जो है ये चल रही है और बात करें यहाँ पर तो ये बिजनेस हमारे लिए बहुत हम सभी महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आई है दोस्तों क्योंकि ये फुल टाइम पार्ट टाइम है ना दिन का दो तीन घंटे करके पंद्रह सौ दिन लगातार करके है ना हम लोग इस बिज़नेस में बहुत अच्छे तरीके से कामयाब हो सकते हैं हमारे घर को अगर कहा जाए ना कि हमारे घर को एक बहुत बड़ा सहारा दे सकते हैं दोस्तों कहा जाता है आज हमारी पोजीशन जो भी हो हमारे फैमिली में है ना हमारे हस्बैंड के साथ में या फिर हमारे आ, फैमिली मेम्बर्स किसी के साथ में भी तो ये बिजनेस जो है ना आज आप इस बिज़नेस को करके तीन से पाँच साल के अंदर अपने फैमिली को बहुत अच्छे ग्रोथ दे सकते हैं और यही चीज़ कहूँगी कि इमोशनली स्ट्रांग रहिए सर्व ना करिए अपने ड्रीम्स पे फोकस रहिए और अपने ड्रीम्स के साथ इस बिज़नेस को करते रहिए और अपने लाइफ स्टाइल को एक अच्छा उड़ान दीजिए दोस्तों और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है अपनी पहचान बनाने के लिए सो अपने नाम को मत खोइएगा और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की इस फेसबुक लाइव को यहीं पे समाप्त करती हूँ दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग आज हमारे साथ इस फेसबुक लाइव में जुड़े और ये चीज़ कहूँगी कि हमें कोई भी नहीं रोक सकता है कोई भी नहीं रोक सकता है सिवाय हमारे तो अपने आप को रुकने मत दीजिए दोस्तों अपने अप्लायंस के साथ है ना अपने लीडर्स के साथ और अपने जितने सारे एमसीएन ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ में आगे बढ़ते रहिए और अपने सपनों को एक ऊंची उड़ान दीजिए सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गुड आई एम सी और हमेशा आगे बढ़ते रहिए